नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुले सिंह। भोपाल से सबसे पहले आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है, सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर, भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जहाँ कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है, सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक, सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि जहां पर कैबिनेट की अहम बैठक है और साथ ही कई विषयों पर चर्चा इसमें की जाएगी, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे, उनकी अध्यक्षता में ही चूंकि ये बैठक होगी, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। तो कई अहम मुद्दों पर होनी है चर्चा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, बड़ी खबर, कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। तो कई अहम मुद्दों पर होनी है चर्चा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है, कितने बजे से ये बैठक और कौन कौन से अहम मुद्दे चर्चा में शामिल किए जाएंगे? देखिए, 9:30 बजे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक है वो आयोजित होने जा रही है और इस बार कई ऐसे फैसले हैं जिन पर जो मोहर है वो लगने वाली है। दरअसल अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सहायता समूह बैंक ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज अनुदान को 2% और बढ़ाए जाने की जो तैयारी है वो की गई है और इस पर आज मोहर लग सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ट्रैफिक नियम होते हैं, तो जो वाहन हेलमेट ना पहनने वाले और वाहन चलाने वालों का अर्थदंड को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर भी, की दरों में भी संशोधन पर आज निर्णय लिया जा सकता है। वही सड़क पर अजदेश लगाने वालों पर भी 5,000 का जो अर्थदंड का प्रावधान है आज वो किया जा सकता है। इसके अलावा आजीविका मिशन से जुड़े सहायता समूह को बैंक ऋण दिए जाने वाले ब्याज पर अनुदान का जो फैसला है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया जाने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में विकास कार्य में गति लाने के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना पर भी बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसमें करीब 800 करोड़ रुपए का प्रावधान नगर विकास आवास विभाग द्वारा क्षेत्र संयोजना के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। वहीं अगर हम अन्य क्षेत्रों के विकास कार्य की बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसमें सागर मेडिकल कॉलेज में जो स्नातकोत्तर सीट में वृद्धि है वो फैसला होना संभव है। इसके अलावा सीहोर में सड़क और मुरैना में नहर निर्माण के लिए भी प्रस्ताव पर आज विचार किया जा सकेगा। वहीं 200 कॉलेज में वर्चुअल कक्षा की स्थापना की जाने का फैसला भी लिया जाएगा। साथ ही कैबिनेट की बैठक में गणेश शिक्षण समिति, सुरक्षित और शिक्षक समिति मलगान शाजापुर सहित कई ऐसी कल्याण समितियां हैं जिन्हें स्कूल संचालन के लिए भूमि आवंटन पर भी आज महत्वपूर्ण फैसले संभव है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बड़ी एक जो बैठक है कैबिनेट की, सुबह अभी 9:30 बजे शुरू होने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है तो वो है जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके तहत कुछ दरों में प्रावधान किया जाएगा। तो वहीं रेस लगाने वालों पर 5,000 का अर्थदंड लगाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार सड़कों पर रेस लगाने के चलते युवाओं की मौत हुई है। ऐसे में हेलमेट भी उनकी ओर से नहीं लगाया जाता है। हेलमेट लगाने से युवा बचते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप बने रहिए जितेंद्र, आगे अपडेट आपसे लेते हैं।